नमस्कार दोस्तों, दिस इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू इन्वेस्टिंग विथ मौर्या जी चैनल। म्यूचुअल फंड में बाढ़ जैसी आई हुई है, सभी लोग एफडी आरडी पीपीएफ से पैसे निकाल के भर भर के लेके आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लोगों का बस एक ही गोल है कि म्यूचुअल फंड से रिटर्न कमाना। म्यूचुअल फंड में जो लोग नए लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं या फिर जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के माइंड में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्या हम असेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदें या फिर थर्ड पार्टी ऐप से खरीदें, दोनों में से बेहतर कौन सा रहेगा। यदि हम थर्ड पार्टी ऐप से ख़रीदते हैं तो हमारा जो पर्सनल डाटा है, पैन कार्ड आधार कार्ड, वो क्या वो सिक्योर रहेगा। यदि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे कि SIP करें या लमसम करें, क्या वो सेफ़ रहेगा। यदि थर्ड पार्टी ऐप को चलाने वाली कंपनी यदि फ्रॉड निकल जाए या फिर वो कंपनी ही बंद हो जाए, तो ऐसे केस में हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, हमें वो इन्वेस्टमेंट कैसे वापस मिलेगा। और थर्ड पार्टी ऐप में यदि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो अकाउंट वगैरह ओपनिंग के क्या चार्जेस लगते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप इन सारे क्वेश्चंस के जवाब को आप चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए। अब कुछ लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती क्या है, म्यूचुअल फंड ऐप्स क्या होते हैं जहां से कि हम म्यूचुअल फंड को बाय करेंगे। दोस्तों, इंडिया में म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है, बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वो लोग अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या है दोस्तों, जैसे इंडिया में आप देख सकते हैं, आप कोटिक म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI, SBI, टाटा म्यूचुअल फंड, ऐसे कई सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि आपको म्यूचुअल फंड की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्चुअली काम कैसे करती हैं दोस्तों, क्या होता है कि आपको यदि रिटर्न कमाना है तो या तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सभी जानते हैं कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन आपको फिर भी स्टॉक मार्केट से रिटर्न चाहिए तो यहाँ पे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है खड़ी रहती है कि वो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवाती है इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आम जो जनता है, पब्लिक है, और जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को असेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। ये असेट मैनेजमेंट कंपनी जब फंड को इकट्ठा कर लेती है आपके बिहाफ पे, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, या कोई अदर एसेट्स हो गया, या फिर रियल इस्टेट हो गया, जहां पे जिनको सूटेबल लगता है वहां पे आपका पैसा ये इन्वेस्टमेंट करती है। यहां पे असेट मैनेजमेंट कंपनी में एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो कि आपके पैसे को कहां कहां पे इन्वेस्ट करना है उसको अच्छे से पता होता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है मार्केट का। अब इसके लिए वो क्या करता है, आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह लगते हैं, और जहां जहां इसने इन्वेस्ट करा है स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, या फिर कॉमर्शियल पेपर्स में, या फिर रियल इस्टेट में, जहां भी है, वहां से जो भी रिटर्न जनरेट होता है दोस्तों, वो रिटर्न में से आपके जो खर्च, जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं, उसको माइनस करने के बाद बाकी जो रिटर्न होता है ये इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब ये थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड ऐप्स क्या होते हैं, पिछले काफ़ी सालों में आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐप्स लॉन्च हो चुके हैं जो कि म्यूचुअल फंड को खरीदने की सुविधा देते हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन ऐप्स के थ्रू भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐप्स जैसे INDMoney, एंजल वन, म्यूचुअल फंड सेंटर, कुवेरा, ग्रो ऐप, जीरोधा, अप स्टॉक, ETMoney, ये काफ़ी सारे ऐप्स जो हैं ये म्यूचुअल फंड खरीदने की सुविधा आपको देते हैं। ये थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं। ये लोग जो भी म्यूचुअल फंड आप इनके प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं, ये एक्चुअली में एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ही खरीद के आपको देते हैं। बस यहाँ पे ये होता है कि आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पोर्टल पे या वेबसाइट पे जो फैसिलिटीज एक्स्ट्रा नहीं मिलती वो इनके प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है। दोस्तों, अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि म्यूचुअल फंड हमें कहाँ से खरीदना चाहिए। क्या हमें असेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदना चाहिए जो कि म्यूचुअल फंड को निकालती है, जो म्यूचुअल फंड को लॉन्च करती है, बेचती है, क्या उससे खरीदना चाहिए, या फिर हमें थर्ड पार्टी ऐप पे जा करके म्यूचुअल फंड खरीदनी चाहिए। तो दोनों में से किससे म्यूचुअल फंड खरीदनी चाहिए, इसके लिए हमने दो पैरामीटर्स यहाँ पे सेट करा है। पहला पैरामीटर है हमारा
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द म्यूचुअल फंड। यहाँ पे काफ़ी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड को बेचती हैं, इसमें काफ़ी सारी लिस्ट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड है, आपने अपनी प्लानिंग करी कि हम HDFC म्यूचुअल फंड से ही म्यूचुअल फंड को बाई करेंगे, तो आप HDFC म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें या SBI म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें या ICICI म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें म्यूचुअल फंड को बाई करने के लिए, तो जब आप उनके पोर्टल पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड के पोर्टल को ओपन करा है, तो यहाँ पे आप कोई भी म्यूचुअल फंड जो आपने प्लानिंग किया है खरीदने के लिए, तो जब आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको HDFC के ही म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेट सपोज कि आपको HDFC म्यूचुअल फंड के साथ साथ ICICI म्यूचुअल फंड भी बाई करना है, आपको SBI म्यूचुअल फंड भी बाई करना है, तो क्या आप यहां से बाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ HDFC म्यूचुअल फंड के ही आपको यहां पे स्कीम्स देखने को मिलेंगे और यही स्कीम से बेचता है, आपको यही स्कीम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से कि आप जो है SBI के भी कुछ म्यूचुअल फंड खरीद सकें, HDFC के भी खरीद सकें, ICICI प्रूडेंशियल के भी कुछ म्यूचुअल फंड खरीद सकें, तो ये जो आपकी जरूरत होती है ये थर्ड पार्टी ऐप पूरा करती है। तो आप चाहे जीरोधा के प्लेटफॉर्म से या फिर ग्रो ऐप से, आप स्टॉक से, ईटी मनी के प्लेटफॉर्म से, ये सारे थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, आप यहां से अपने म्यूचुअल फंड को, चाहे जितनी भी कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स को आप बाई करना चाहते हैं, आप यहां पे बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द म्यूचुअल फंड, और दूसरा होता है दोस्तों एक्सपेंसेस। थर्ड पार्टी ऐप पे जो भी म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको अकाउंट ओपन करना होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वगैरह देना पड़ता है, और वैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी अपने एक्सपेंस रेशियो होते हैं। तो जनरली एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं और जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनके एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। तो आप थर्ड पार्टी ऐप्स यदि म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस में आपको फ़ायदा मिलता है, और दूसरा होता है कन्वीनियंस कि आप यहाँ पे एक साथ कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आप बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है कि कौन सा बेस्ट ऐप है म्यूचुअल फंड को बाई करने के लिए। हमने यहाँ पे इंडिया के टॉप थर्ड पार्टी ऐप्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और हम यहाँ पे एक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि कौन से ऐप को हमें चूज करना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ग्रो है, क्वाइन जीरोधा है, अप स्टॉक है, ईटी मनी, INDIE है, एंजल वन है, म्यूचुअल फंड सेंटर है, कुवेरा है। आई एम श्योर आप ये सारे ब्रांड से परिचित होंगे। तो वन बाय वन करके हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उस क्राइटेरिया के आधार पे हम इसको जज करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो होता है इनके एक्टिव यूजर्स, कि इनके एक्टिव यूजर्स कितने हैं। आप देख सकते हैं ग्रो के जो है 6.6 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जीरोधा क्वाइन के 6.4 है, प्ले स्टोर की रेटिंग देखा जाए तो 4.5 रेटिंग है, और इसी तरह से क्वाइन का भी 4 है, इसके बाद अप स्टॉक का 4.4 है। नेक्स्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, आप इन सारे ऐप से म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान ही खरीद सकते हैं, रेगुलर प्लान आप खरीद नहीं सकते। यदि आपको रेगुलर प्लान बाई करना है तो आप फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट पे या ऐप पे जाकर के आप वहां से रेगुलर प्लान को बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीमैट अकाउंट, तो ग्रो हो, जीरोधा हो, अप स्टॉक हो, ये सारे ऐप आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो फिर आपको अलग से म्यूचुअल फंड के लिए अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि यदि आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऐप अलग से रखना है और म्यूचुअल फंड के लिए आपको एक ऐप अलग से रखना है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको एक फैसिलिटी ये भी मिल जाती है कि आप यदि ग्रो में हो गया या फिर आप ईटी मनी में यदि अपने KYC अपनी करा ली, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, तो आप एक ही अकाउंट से आप कई सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम्स को बाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इन थर्ड पार्टी ऐप से बाई नहीं करते हैं तो आपको इंडिविजुअली हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के यहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसकी स्कीम को आप बाई कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है
US स्टॉक्स। अब कुछ लोग अमेरिकन स्टॉक्स में यानी नैसडेक में वो लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, तो ऐसे केस में ग्रो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप US स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीरोधा में भी ये फैसिलिटी नहीं है, आप स्टॉक में भी नहीं है, ET मनी में भी नहीं है, IND मनी में फैसिलिटी है, आप जो है US स्टॉक में इस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल वन में भी ये फैसिलिटी है और कुवेरा में भी ये फैसिलिटी है। तो जो लोग इंडियन स्टॉक के साथ साथ US स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये सारे ऐप्स फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो आप इन थर्ड पार्टी ऐप में जो अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो ग्रो में आपको कोई भी अकाउंटिंग ओपनिंग चार्ज नहीं देना होता है, वहीं जीरोधा क्वाइन में आप जाते हैं तो वहाँ पे 200 का आपको चार्जेस पे करना होता है। बाकी सारे ऐप्स में आप देख सकते हैं अकाउंटिंग ओपनिंग चार्जेस आपके जीरो ही लगते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अकाउंट नॉमिनेशन की फैसिलिटी। तो यहाँ पे नॉमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस में हर एक ऐप का अलग अलग चार्जेस होता है। जैसे ग्रो में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कोई भी AMC चार्जेस आपको नहीं देना होता है। वहीं जीरोधा में आप देखेंगे तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 300+18% GST के साथ आपको देना पड़ता है। अप स्टॉक में यदि बात किया जाए तो 150+ GST आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में लगता है। और यदि मंथली की बात की तो 20 रुपीज के आसपास इनके भी चार्जेस हैं जो मंथली कटते हैं। और ET मनी की बात की जाए तो यहाँ पे चार्जेस एकदम नहीं लगता है। IND में भी कोई भी AMC चार्जेस नहीं है। तो वहीं एंजल वन के AMC की बात की जाए तो यदि आप एंजल वन में सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों तो आपको 20 रुपीज प्लस टैक्स हर महीने देना पड़ता है AMC चार्ज के तौर पे। लेकिन अब यदि आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट की भी फैसिलिटी ले रहे हैं तो ऐसे केस में मैक्सिमम यहाँ पे 100 रुपीज प्लस GST का AMC चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। वहीं MF सेंट्रल में AMC चार्जेस नहीं है और कुवेरा में भी आपका AMC चार्जेस नहीं लगता है। इसके बाद SIP की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे ग्रो में आप मंथली SIP कर सकते हैं, जीरोधा कॉइन में आप मंथली और वीकली कर सकते हैं, वैसे आप अप स्टॉक में मंथली ET मनी में और यहाँ पे IND मनी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे आप डेली और वीकली और मंथली आप तीनों ही आप तरीके से SIP यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सारे ऐप में आपको मंथली की फैसिलिटी मिलती है। SWP का बात कर लीजिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल फंड, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इसमें क्या होता है, SIP में आप हर महीने छोटे छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन SWP में आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वहाँ से आप पैसे म्यूचुअल फंड से आप विड्रॉ करते हैं। आपकी जो मेन कैपिटल है वो सुरक्षित रहती है और आप जो है जो भी रिटर्न आप कमा रहते हैं उसमें से आप जो है थोड़ा थोड़ा पैसा ड्रॉ करते हैं। तो SWP की जो फैसिलिटी है अभी फिलहाल में MF सेंट्रल में और कुवेरा में आपको देखने को मिलती है, बाकी किसी भी ऐप में आपको SWP की फैसिलिटी यहां पे नहीं है। STP एंड स्विच नेक्स्ट पैरामीटर है। STP मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, मतलब किसी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से आप चाहते हैं कि किसी दूसरे स्कीम में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो आपको ये कौन कौन से ऐप ये फैसिलिटी देते हैं। तो ग्रो में आप ये फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं, बाकी किसी भी जगह में इधर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे MF सेंट्रल में आपको मिल जाता है, कुवेरा ऐप में भी आपको मिल जाता है। कि इसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। आपका किसी पर्टिकुलर ऐप में आपने अपनी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड की बना रखी है, वहाँ से आप चाहते हैं किसी दूसरे ऐप में वो पोर्टफोलियो ट्रांसफर हो जाए और वहाँ पर आपकी सारी जो ट्रैकिंग है और उसका बाई और सेल है आप सब कुछ दूसरे ऐप पे करना चाहते हैं तो आपको ये फैसिलिटी ग्रो में देखने को मिलती है। इसके बाद आप स्टॉक में ET मनी में IND मनी में देखने को मिलती है, MF सेंट्रल में और क्वेर ऐप में। तो यदि आपका कुछ इस तरीके की चीज़ें तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं एक्सटर्नल पोर्टफोलियो वगैरह। नेक्स्ट होता है मैंडेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ऑटो डेबिट जिसको बोलते हैं, कि मतलब आपके बैंक अकाउंट से हर महीने वो ऑटोमेटिकली पैसा उस पर्टिकुलर डेट पे डिडक्ट हो जाएगा और आपका SIP जो भी चल रहा है उसमें वो पैसे वो जो है उतना यूनिट्स आपका बाई हो जाएगा। तो ये जो मैंडेट की फैसिलिटी ये लगभग हर ऐप में होनी चाहिए। यदि मैंडेट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आपको हर महीने मैनुअली जो है बाई करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड यूनिट्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग हर ऐप में आपको यहाँ पे मैंडेट की फैसिलिटी मिल जाती है। तो आपने देखा कि हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स में इन ऐप्स को यहाँ पे रखा आपके सामने। अब हर एक लोगों की हर एक रिक्वायरमेंट होती है, मुझे नहीं पता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप इस चार्ट को देख करके अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि इन सारे ऐप्स में से यदि हमें चूज करना हो तो हम
दो या तीन ऐप्स में से हमको सिलेक्शन करना है और डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जो जरूरत है उसके अनुसार हम ऐप को चूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग वगैरह करना है, तो ऐसे केस में आप जो है ग्रो, जीरोधा, कॉइन या एंजल वन में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जीरोधा काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और ग्रो भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया अपने आप को। तो ग्रो से भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रो के चार्जेस वगैरह भी आपने देखा कि चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जीरोधा के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं, एंजल वन के भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ग्रो काफी अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म बनेगा। वैसे यदि आप म्यूचुअल फंड या यूएस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आईएनडी मनी आपको यूएस मार्केट के लिए और म्यूचुअल फंड के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। कुएरा भी आपको देखने को मिल जाता है। और तो ईटी मनी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ईटी मनी को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 ऐप्स सेलेक्ट किया है, लेकिन इस 6 ऐप्स में भी हम 2 ऐप्स को यहाँ पे रैंकिंग देंगे जो कि सबसे टॉप पे है मेरे एनालिसिस के मुताबिक। अब आप भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं और आपके एनालिसिस से भी कोई ऐप हो सकता है दूसरा निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया तो मुझे सबसे टॉप पे ग्रो लग रहा है और उसके बाद ईटी मनी लग रहा है। तो इन दोनों में से हम किसी भी में भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी देता है। और ईटी मनी में तो स्टॉक मार्केट की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या जरूरत है उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है म्यूचुअल फंड कैसे कहां से बाई करना है मैंने आपको सारे पॉइंट्स, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी के ऐप्स या वेबसाइट बेकार नहीं होते हैं। बस डिपेंडिंग कि आपकी क्या जरूरत है उसके अनुसार सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार चीज़ों को चूज कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।